हाय गाइस, आई एम मयंक वर्मा एंड मैंने अभी अपनी सी ए आई पी सी ग्रुप वन क्लियर करी है। एंड मैंने अपनी कोचिंग सी ए सोनू गुप्ता मैम से ली थी, और वो उन्होंने अपनी कोचिंग एक तरह से एक फ्रेंडली माहौल में पढ़ाई थी, क्या कहते हैं, जिसमें कि वो हमें हर चीज़ के लिए हमें सारी सारी एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती थी उसमें मैम हमें। और हमें कोई भी प्रॉब्लम होती थी या कोई भी क्वेश्चन होता था मैम 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 से हमें, तो मैम हमें इंडिविजुअली बुला के भी हमें सॉल्व कर देती थी उस प्रॉब्लम को हमारी। जैसे हमने क्लासेस में मैम का इतना फ्रेंडली बिहेवियर रहता था कि हमें किसी भी दिक्कत तो कोई भी कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं हमें इतनी आसानी समझाती थी, कोई भी जैसे हार्ड टॉपिक, कोई सा भी हार्ड टॉपिक होता था जैसे हमारे लिए, वो मैम उसे इतने ईजी वे में हमें समझाती थी। जैसे हमें एक बार समझ में नहीं आता तो मैम उसे दो बार समझाती थी, तो हमें मतलब मैम तब तक समझाती रहती थी जब तक हमें समझ में ना आए। तो मैम हमें इतना अच्छा पढ़ाती थी कि जिससे कि हमारा आई पी सी ग्रुप वन क्लियर हो गया। एंड बेसिकली मैम ने हमें इतना मोटिवेट किया था क्लासेस में कि अपना पढ़ो, होमवर्क करो, टेस्ट सीरीज करो, और वो हमने सारी करी जिससे कि हमारा ग्रुप वन मैम की हेल्प से हमारा ग्रुप वन क्लियर हो गया। एंड मैम हमें मैम अपने हर डेली क्लास में होमवर्क देती थी जिससे कि हम अपना होमवर्क करें तो हमारी क्या कहते हैं उस पर अकाउंट से पकड़ बनेगी, इस वजह से हम अपना होमवर्क देती थी, वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। एंड मैम ने क्या कहते हैं मैम हमें हर बात पे जो भी कोई मैम हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाती थी बीच बीच में कि ये एग्जाम में आ सकता है, इसके चांसेस हैं, मोर चांसेस हैं। एंड मैम काफ़ी मैम ने हमें हेल्प करी, काफ़ी मोटिवेट किया हमें मैम ने। एंड मैम ने क्या कहते हैं एंड मैम ने हमें बहुत ही हेल्प करा है काफ़ी तरीक़ों में। जैसे कि कोई हमें कोई क्वेश्चन होता था तो मैम हमें क्या कहते हैं मैं बोर्ड पे बुला लेती थी वहाँ पे स्क्रीन पे कि आप आके सॉल्व करो, जिससे कि क्या कहते हैं कोई लड़का मैम को जैसे कि कोई लड़का खड़ा हो गया वो कोई क्वेश्चन सॉल्व करा सबका, और मैम साइड में बैठ जाती थी जिससे कि हमें और विजुलाइजेशन हो जाती थी कि और फ्रेंडली बिहेवियर बन जाता था। और जैसे कोई कोई बच्चा क्वेश्चन करता था तो मैम उसे वो चॉकलेट भी देती थी जिससे कि क्या कहते हैं हमें भी वो भरती थी कि हम भी जाएंगे, हम भी आगे जाके चॉकलेट ले आएंगे मैम से। तो इस वजह से मैम काफ़ी इतने फ्रेंडली बिहेवियर पढ़ाती थी जिससे कि हमें लगता नहीं था कि कोई हमारे सामने टीचर है, ऐसा लगता था कोई हमारा फ्रेंड ही पढ़ा रहा है हमें। इसमें समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती थी बस। एंड थैंक्स टू मैम, मैम ने मोटिवेट किया हमें, अच्छे से पढ़ाया जिससे कि मेरी आई पी सी ग्रुप वन क्लियर हो गई। एंड थैंक्स टू सोनू मैम, थैंक यू मैम।